डियर स्टूडेंट, वेलकम टू SV अकेडमी। SV अकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुशी में लेसन 3 गोदोहनम यानी गाय को दूहना नामक पाठ पढ़ रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने इस पाठ के बारे में पढ़ा कि चंदन नाम का एक व्यक्ति होता है और उसकी पत्नी का नाम मल्लिका होता है। वो तीर्थ यात्रा पर जाती है और चंदन को घर आदि की व्यवस्था और गाय का दूध निकालने की व्यवस्था के बारे में कहती है। तो उसकी पत्नी जब तीर्थ यात्रा पर चली जाती है तो वो गाय की सेवा करता है और एक दिन उसके घर पर ग्राम की मुखिया के घर से 300 लीटर के दूध का यानी 300 लीटर के दूध का आग्रह आता है कि हमें 300 लीटर दूध चाहिए, हमारे घर में महीने के अंत में महोत्सव है। तो इसी खुशी के मारे वह फूला नहीं समाता है और तन मन से नंदिनी की सेवा करता है। और उधर से उसकी पत्नी मल्लिका भी तीर्थ यात्रा से लौट आती है। वो आते ही ये बात अपनी पत्नी को बताता है तो पत्नी भी खुश होती है। तो वो कहती है तुम गाय का दूध निकालो। तो वह कहता है कि हम 300 लीटर गाय का दूध कहाँ से देंगे, अगर हम गाय का दूध एक साथ निकालेंगे तो हम गांव के मुखिया जी को 300 लीटर दूध दे सकते हैं। तो उसकी पत्नी कहते ये तो बहुत अच्छी बात है, वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि गाय का अगर रोज़ाना दूध दुहेंगे तो ही वो दूध देगी, अगर उसको हम महीने तक दूध नहीं दुहेंगे तो वो गाय दूध देना बंद कर देती है। ये बात दोनों को ये पता नहीं थी, इस बात से वो अनजान थे। अब हमने इसका गोदोहनम इसका प्रश्न नंबर 19 तक हमने इसको रीड कर लिया था। 19 प्रश्न की जो लास्ट लाइन थी देखो, तो देवेश के तक क्षमताम पुत्र मूल्यम बिना तू एकमपि घटम न दास्यामि, बेटा माफ़ करो मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। यहाँ तक हमने इस पैरे तक ये रीड कर लिया था। आज हम उससे आगे पढ़ रहे हैं। मल्लिका स्वाभूषणम यानी सब आभूषणम दातुम इच्छित यानी अपने आभूषण देना चाहती है। तातः यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम त्रहि ग्रहण एतत् आभूषणम, यदि अधुना प्लस एव, अधुनेव का संधि विच्छेद होगा, अधुना प्लस एव, अधुना मीन्स अब, एव का मतलब ही यानी अभी ही, मूल्य आवश्यक है, तहि मीन्स तो, ग्रहण करो एतत् मीन्स यह, आभूषण मीन्स आभूषण यानी अपने आभूषण देना चाहती है। तात यदि अभी ही मूल्य जरूरी है, यदि अभी ही मूल्य जरूरी है तो इस आभूषण को ग्रहण करो यानी इस आभूषण को लो। देवेश है यानी देवेश बोलता है पुत्री के बेटी नाहम नह प्लस अहम नाहम पाप क्रम क्रोमी, क्रोमी का मतलब करता हूँ होता है, लेकिन यहाँ पे अब वो देवेश बात करे, वो कहता है मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विनाम कर्तुम, कथमपि यानी कैसे, अपि मिस भी न प्लस इच्छामि मिस चाहता हूँ, त्वाम मिस तुझे, आभूषण मिस आभूषण से रहित, मैं तुम्हें कैसे भी आभूषण विहीन यानी आभूषण से रहित नहीं करना चाहता हूँ, यानी मैं तुम्हें कैसे भी या अर्थात किसी भी सूरत में आभूषण से रहित नहीं करना चाहता हूँ। नहीं तुम इस ले जाओ यथा बिलिसामि
जितने यथा अभिलेषण इच्छा, जैसे आपकी इच्छा हो घटानुश गढ़ों को, यानी जितने गढ़े चाहिए ले जाओ, दुग्धम विक्रिय एम घटम मूल्यम ददातु इस देना, यानी दूध को बेचकर ही घड़ों का मूल्य देना, उभौ यानी दोनों, यानी मल्लिका और चंदन। धन्यो असी हे तात, धन्य हो यानी तुम धन्य हो। अब है पंचम दृश्य है मासानंतरम संध्या काल है, एकत्र रिक्ता नूतन घटा सन्ति, दुग्ध क्रेतार अन्य च ग्रामवासिने अप्रत आसीने, यानी मासांतरम से एक महीने के बाद श्याम का समय एकत्र रिक्ता, एक जगह पर रिक्ता मतलब खाली नए घड़े हैं, दुग्ध क्रेतार अन्य च ग्रामवासिना अप्रत्याशी, और दूसरे दूध को खरीदने वाले और गांव वाले दूसरी जगह बैठे हुए हैं। चंदन देनुम प्रणम्य, या गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण करके मल्लिकाम आयति, यानी मल्लिका को बुलाता है। देनुम प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण करके मल्लिकाम आयत है, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच है, जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ है, नाथ आ रही हूँ, हे स्वामी देव आ रही हूँ, हे पतिदेव आ रही हूँ, या कह सकते अजी आ रही हूँ, आयामी नाथ है, नाथ आ रही हूँ अर्थात अजी आ रही हूँ। दोहनम आरभम स्तावत है, दोहनम दोहना आरभम आरंभ कर दो, तावतम तब तक दोहना चालू कर दो। वो कहते हैं कि मैं आ रही हूँ, तुम तब तक दोहना चालू कर दो। चंदन है यदा दिनों समीपम गत्वा दोग्धम इष्टि, अब चंदन है जब गाय के पास जाकर दोग्धम इस दोहना चाहता है, तदा दिनु पृष्ठ पादेन प्रहरती, तभी गाय पिछले पैर से प्रहरती में प्रहार करती है। चंदनश्चय पात्रेण सह पत्ति, और चंदन बर्तन के साथ गिरता है, और चंदन बर्तन के साथ गिरता है। जैसे वो गाय के पास जाता है और जाकर दूध निकालना चाहता है, तभी गाय अपने पिछले पैर से प्रहार करती है और चंदन बर्तन के साथ गिरता है। नंदिनी दुग्धम देही, हे नंदिनी दूध दो, किम जातम ते, तुम्हें क्या हुआ। वो नंदिनी को कहता है, हे नंदिनी दुग्धम देही दूध दो, किम जातम ते, तुम्हें क्या हुआ। पुनः प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पाद प्राण ताड़यित्वा चंद्रम रक्त रंजितम करोति, और नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से मारकर चंदन को खून से लथपथ कर देती है। अर्थात जैसे ही वो गाय को पास दूध निकालने के लिए जाता है, गाय पिछले पैर से प्रहार करती है, बार बार के पैर के प्रहार करने से उसे कहीं लग जाती है, जिससे उसे खून निकलना शुरू हो जाता है, मतलब खून से लथपथ हो जाता है। हतो अस्मि मैं मर गया। चित्कार कुर्वन पति, चीखता हुआ गिरता है। सर्वे आश्चर्य चंद्रम अन्योश्चय पश्यन्ति, सभी आश्रय से
सभी आश्रय से चंदन को सभी आश्चर्य से चंदन को एक दूसरे की ओर देखते हैं। यानी उसमें एक दूसरे की ओर देखते हैं, अर्थात सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जहाँ वे गांव वाले खड़े थे, विजय से नंदिनी गाय के लात मारती है और वो बार बार गाय के पास जाता है, उसे पैर से प्रहार करती है तो वो खून से लथपथ हो जाता है और सभी लोग चंदन को एक दूसरे की तरफ देखते हैं, अर्थात सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो ये 20 नंबर प्रश्न का हिंदी अनुवाद हो चुका है। 20 नंबर प्रश्न का हिंदी अनुवाद आपको समझ में आ गया होगा, बट बहुत रोचक पाठ है ये, क्योंकि आगे का प्रश्न थोड़ा सा आगे वाला प्रश्न 21 नंबर पढ़ा नहीं सकते, क्यों तो अगर हम पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इस वजह से आज हम 20 नंबर प्रश्न तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।